नमस्कार प्यारे बच्चों हिंदी पीडिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन बच्चों इसके पहले हमने टोपी पाठ को अच्छे से पढ़ा टोपी पाठ से संबंधित भावार्थ को भी समझ लिया और गौरैया और गबरा के माध्यम से मनुष्य पर जो बातचीत लेखक के द्वारा की गई है उससे संबंधित प्रश्न अभ्यास को आज करेंगे आइए पहले प्रश्न को करते हैं पहला प्रश्न जो इस प्रकार से है गौरैया और गबरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला तो बच्चों इसके उत्तर को आप अपने तरीके से लिखेंगे अपने शब्दों में लिखेंगे कि गौरैया और गबरा के बीच आदमी के कपड़े पहनने की बात को लेकर आदमी कपड़े पहनने की बात को लेकर बहस हुई एक दिन घूरे पर चुगते चुगते गौरैया को रुई का एक फाहा मिला घूरा घूरा अर्थात घर के कूड़े करकट जो बाहर रख दिए जाते हैं उसे घूरा कहा जाता है तो घूरे पर जब वहाँ चिड़िया जो गौरैया दाना चुग रही थी उसको वहाँ पर रुई का फाहा, रुई अर्थात कपास कॉटन के छोटे से हिस्से जो कॉटन के छोटे से हिस्से मिले फाहा मिला उसने उसे धुनवाया धुनिया के पास ले जा कर के धुनवाया फिर बुनकर के पास ले जा कर के उसे बुनवाया फिर टोपी सिलवाई इसी तरह उसे टोपी पहनने की इच्छा पूरी करने का अवसर मिला इस तरह से पहले वह धुनिया के पास गई फिर कोरी के पास गई फिर बुनकर के पास गई फिर दर्जी के पास गई चारों के पास पहुंचने के बाद उसे एक अच्छी टोपी प्राप्त हो गई इस तरह से वह टोपी पहनकर अपनी इच्छा को पूरी करने का अवसर प्राप्त कर लिया इस तरह से अगले प्रश्न की बात करें गौरैया और गबरे की बहस के तर्कों को एकत्र करें और उन्हें संवाद के रूप में लिखें बच्चों आपकी पुस्तक आपके सामने होनी चाहिए ताकि पुस्तक में प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़कर समझ भी सकें उसके बाद अपने मन से इन प्रश्नों के उत्तर आप लिख सकें हम इन प्रश्नों के उत्तर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं इसी समझ के साथ आप अपने प्रश्नों को इन प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखेंगे आइए देखते हैं संवाद के रूप में उनके कथनों को लिखते हैं गौरैया बोलती है आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं कितना फबता है उन पर कपड़ा गबरा बोलता है खाक फबता है कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है गौरैया तपाक से बोलती है लगता है आज लटजीरा चुग गए हो अर्थात कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है गौरैया बोल पड़ी कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी घबरा तू समझती नहीं कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रही है अर्थात उनके शरीर में अब शक्ति नहीं बची है और कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है गौरैया फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है गबरा, यह निरा पोगापन है पोगापन दिखावापन अपन तो नंगे ही भले गौरैया उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है गबरा, टोपी तू पाएगी कहाँ से टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़े ही मत इस तरह से दोनों की बातचीत को संवाद के रूप में आप लिख सकते हैं आइए अगले प्रश्न को देखते हैं प्रश्न तीन टोपी बनवाने के लिए गौरैया किस किस के पास गई टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखें तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि दाना चुगते हुए गौरैया को घूरे पर रुई का फाहा मिला कॉटन का छोटा सा हिस्सा मिला जिसको लेकर वह धुनिया के पास गई रुई धुनाने के लिए धुनिया के पास उसके बाद वह कोरी के पास गई सूत बनवाने के लिए सूत कातना, सूत बनाने के लिए अर्थात धागे बनाने के लिए फिर वह कपड़ा बुनवाने के लिए बुनकर के पास गई उस सूत से कपड़ा बनवाया बुनवाया कपड़ा जब बुन गया तो वह कपड़े को लेकर दर्जी के पास पहुंची। दर्जी ने उसे सिल दिया और सिलने के बाद अधिक पारिश्रमिक पाने के कारण अच्छी पारिश्रमिक पाने के कारण दर्जी खुश होकर अपनी तरफ से उसमें पांच फुदने भी लगा दिए दर्जी ने अपनी तरफ से उसमें पांच फुदने भी लगा दिए जिससे टोपी अत्यंत सुंदर बन गई जिससे टोपी अत्यंत सुंदर बन गई इस तरह गौरैया जो है चार लोगों के पास गई पहला धुनिया के पास रुई धुनवाने के लिए दूसरा कोरी के पास सूत बनवाने के लिए तीसरा बुनकर के पास कपड़ा बुनवाने के लिए चौथा दर्जी के पास टोपी सिलवाने के लिए इस तरह से चारों लोगों के पास वो गौरैया गई तो बच्चों इसे अपने शब्दों में आपको लिखना है इसी तरह गौरैया की, अच्छा की टोपी पर दर्जी ने पांच पुदने क्यों जड़ दिए यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है गौरैया की टोपी पर दर्जी ने पांच पुदने क्यों जड़ दिए गौरैया की टोपी पर दर्जी ने खुश होकर अपनी तरफ से पांच पुदने जड़ दिए क्योंकि इस मुल्क में आज तक दर्जी को मेहनत करने के लिए किसी ने इतनी मज़दूरी नहीं दी थी जितनी गौरैया ने दर्जी को दिया था दर्जी मज़दूरी अधिक पाकर जितना परिश्रम किया पारिश्रमिक सही पाकर खुश होकर पांच फुद ने टोपी में लगा दिए जिससे टोपी अत्यंत सुंदर बन गई इस तरह से कहानी से आगे का पहला प्रश्न देखेंगे किसी कारीगर से बातचीत कीजिए और परिश्रम का उचित मूल्य नहीं मिलने पर उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी ज्ञात कीजिए और लिखिए तो जब हम किसी कारीगर से बात करेंगे तो उसकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिलेगा तब तो वह कार्य पूरा ठीक से नहीं करेगा और यदि वह कार्य पूरा नहीं करेगा तो उसकी तैयारी भी वह ठीक से नहीं करेगा पूरा करने के लिए अगर वह कार्य तैयार हो जाता है कि हम कार्य पूरा कर लेंगे तो कार्य को ठीक प्रकार से नहीं करेगा इस तरह से आप भी यदि हम भी कोई भी कार्य के बदले उचित लाभ न मिलने से कार्य करने का मन नहीं करता है तो कहने का ये मतलब है कि राजा कारीगरों से कामगारों से कार्य तो करवाता था लेकिन उसके बदले उनको उचित मेहनताना पारिश्रमिक नहीं देता था जबकि गौरैया ने हर एक व्यक्ति को हर एक कारीगर को उसका उचित मूल्य देने का प्रयास किया है इसलिए गौरैया का कार्य बहुत ही उत्तम हुआ है तो गौरैया की इच्छा पूर्ति का क्रम घूरे पर रुई के मिल जाने से प्रारंभ होता है उसके बाद वह क्रमशः एक एक कर कई कारीगरों के पास जाती है और उसकी टोपी तैयार हो जाती है आप भी अपनी कोई इच्छा चुन लीजिए उसकी पूर्ति के लिए योजना और कार्य विवरण तैयार कीजिए तो बच्चों यहाँ मैंने अपने मन से एक कार्य विवरण दिया है इसी तरह से आप अपने शब्दों में अपने मन से कार्य विवरण तैयार करेंगे जैसे मैंने लिखने का प्रयास किया है कि मेरा स्कूल मेरे घर से पाँच किलोमीटर दूर है मैं स्कूल रोज़ पैदल ही आया जाया करता हूँ मेरी इच्छा हुई कि मेरे पास साइकिल होती तो मैं स्कूल जल्दी पहुँच जाया करता फिर क्या हुआ मैंने अपनी यह इच्छा अपने पिताजी से बताई पिताजी ने कहा पहले साइकिल चलाना सीख लो फिर तुम्हें साइकिल दिला देंगे यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और मेरे सामने समस्या थी साइकिल सीखने की घर में जो साइकिल पड़ी थी वह इतनी ख़राब स्थिति में थी कि चल नहीं सकती थी मैंने उसे साइक उस साइकिल को उठाया और साइकिल की दुकान पर अपने दोस्तों की मदद से ले गया जहां साइकिल वाले ने उसको ठीक कर दिया मैंने अपने साथियों के साथ, साथ साइकिल चलाना पूरे दिन सीखता रहा साइकिल चलाना पूरे दिन सीखता रहा शाम होते होते मैं साइकिल चलाना सीख गया था और मैं काफ़ी थकान महसूस कर रहा था शाम को जब मैं घर पहुंचा तो पिताजी ने बताया कि तुम्हारी साइकिल आ गई है अब तुम इसे चला सकते हो साइकिल को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे आज तक वह दिन याद आता है इस तरह से आप कोई कहानी अपने मन से लिखेंगे जो जिससे आपको कार्य करने की प्रेरणा मिलती हो इस तरह से तीसरा प्रश्न जो यहाँ है गौरैया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है तर्क सहित लिखिए कार्य की सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है तर्क सहित लिखना है किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए मन में उत्साह होना आवश्यक है ऐसा प्रश्न में भी कहा गया है उत्साह से ही हमारे मन में किसी भी कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न होती है उत्पन्न होती है यदि हम किसी भी कार्य को मन से नहीं करेंगे यदि हम किसी कार्य को मन से नहीं करेंगे तो क्या होगा तो निश्चय ही हमें उस कार्य में असफलता मिलेगी अगर मन से नहीं करेंगे तो कार्य में क्या मिलेगी असफलता मिलेगी और कार्य में असफलता मिलेगी कार्य में कोई न कोई कमी जरूर रह जाएगी इसलिए हमें कोई भी कार्य मन से करना चाहिए अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना का टोपी पहनकर गौरैया राजा को दिखाने क्यों पहुंची जबकि उसकी बहस गबरा से हुई और वह घबरा के मुँह से अप, अपनी बड़ाई सुन चुकी थी लेकिन राजा से उसकी कोई बहस हुई ही नहीं फिर भी वह राजा को चुनौती देने पहुंची कारण का अनुमान लगाइए तो बच्चों यहां इस कारण का अनुमान लगाएंगे कि गौरैया टोपी पहनकर राजा को चुनौती देने क्यों गई इसका कारण गबरा को नीचा दिखाने से था गबरा को नीचा दिखाने से कैसे हो सकता है राजा से संबंध क्योंकि बहस के दौरान गबरा ने गौरैया से कहा था कि टोपी तो आदमियों के राजा पहनते हैं तो राजा शब्द का उपयोग किसने किया था उदाहरण किसने दिया था गबरा ने गबरा के इसी बात को गलत साबित करने के लिए गौरैया टोपी पहनकर राजा के पास गई इस तरह से अगला प्रश्न है यदि के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते तब गौरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार कैसा होता गौरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार कैसा होता तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं यदि राजा के राज्य के सभी कारीगरों को अपने श्रम का उचित तो मूल्य मिलता तो गौरैया का कार्य पूरा करने से पहले कारीगर राजा का कार्य पूरा करते तथा राजा की टोपी भी गौरैया के टोपी के समान ही सुंदर होती ते अपने शब्दों में आप लिखेंगे इसी तरह से तीसरा प्रश्न यहाँ जो है चारों कारीगर राजा के लिए काम कर रहे थे एक रजाई बना रहा था दूसरा अचकन के लिए सूत काट रहा था तीसरा धागा बुन रहा था चौथा राजा की सातवीं रानी की दसवीं संतान के लिए झब्बे सिल रहा था तो इस तरह से उन चारों ने राजा का काम रोककर गौरैया का काम क्यों किया तो स्पष्ट है कि चारों कारीगर राजा का, का काम करते रहते थे कर रहे थे करते रहते थे परंतु राजा द्वारा उन्हें उनके श्रम का उचित मूल्य नहीं मिलता था गौरैया ने उन्हें उनके श्रम का उचित मूल्य दिया इसलिए सभी कारीगरों ने राजा का काम रोककर पहले गौरैया का काम कर किया पहले गौरैया का काम किया भाषा की बात का यह प्रश्न गाँव की बोली में कई शब्दों का उच्चारण अलग अलग होता है उनकी वर्तनी भी बदल जाती है जैसे गौरैया गवरिया गौरैया का ग्रामीण उच्चारण है उच्चारण के अनुसार इस शब्द की वर्तनी लिखी गई है फुदना फुलगेदा का बदला हुआ रूप है कहानी में अनेक शब्द हैं जो ग्रामीण उच्चारण में लिखे गए हैं जैसे मुलुक मुल्क खमा छमा मजूरी मजदूरी मल्लार मल्हार इत्यादि आप क्षेत्रीय या गांव की बोली में उपयोग होने वाले कुछ ऐसे शब्दों को खोजिए और उनका मूल रूप लिखिए जैसे टेम टाइम टेशन टीशन स्टेशन इस तरह से आप ग्रामीण के शब्दों को गांव में बोले जाने वाले शब्दों को या क्षेत्र में बोले जाने वाले शब्दों को अपने मन से लिखेंगे जैसे यहां मैंने कुछ शब्द लिखने का प्रयास किया है इसी के साथ आप अपने शब्दों को लिखकर इस प्रश्न के उत्तर को पूर्ण करेंगे जैसे स्कूटर जो गांव में बोला जाता है उसको स्कूटर ग्रह कार्य बोलते हैं गांव में ग्रह कार्य तो गृह कार्य न होकर गृह कार्य शकूल स्कूल डागडर डागडर लिख बोलते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब को बुला दीजिए तो डॉक्टर, चोराहा बोलते हैं चोराहा तो चोराहा न बोल करके के चौक चौक बोलेंगे इस तरह से टिम्टर बोलते हैं टिमटर टिम्टर न बोल करके के टिमाटर न बोल करके टिमटर या टमाटर टमाटर इस तरह से आप कुछ शब्दों को लिखेंगे जो गाँव में बोलते हैं और उसका सही उच्चारण कुछ और होता है अगला प्रश्न है मुहावरों के प्रयोग से भाषा आकर्षक बनती है मुहावरे वाक्य के अंग को अंग होकर प्रयुक्त होते हैं इनका अक्षरश अर्थ नहीं बल्कि लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है पाठ में अनेक मुहावरे आए हैं टोपी को लेकर तीन मुहावरे हैं टोपी को लेकर कितने मुहावरे हैं तीन जैसे एक यहाँ दिया गया है कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है शेष मुहावरों को खोजिए और उनका अर्थ ज्ञात करने का प्रयास कीजिए तो शेष मुहावरे में हमने लिखे टोपी उछालना इज्जत उछालना एक गलत काम करने से आदमी की टोपी उछलते देर नहीं लगती इसी तरह दूसरा है टोपी से ढक लेना इज्जत ढक लेना अपने घर की बात को टोपी से ढक लेना ही अच्छा होता है अपने घर की बात को टोपी से ढक लेना ही अच्छा होता है तो बच्चों यह वीडियो आपको कैसा लगा यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें ताकि इसी तरह के वीडियो लेकर हम उपस्थित होते रहें आज के लिए इतना ही धन्यवाद जय हिंद जय जै भारत